हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक मिस्त्री में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस चार्जर को रिपेयर करने वाले हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये U1i का चार्जर है, तो आज हम इसे रिपेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हम इसको खोल लेते हैं। तो इसके प्लेट को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका जो कैपेसिटर है वो खुला हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इसमें लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो सबसे पहले मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं इसके कैपेसिटर को लगा चुका हूँ। दोस्तों, ये कैपेसिटर का जो नंबर है 7W 450 वोल्ट है, तो आप चाहे तो सेम वोल्ट अभी लगा सकते हैं। तो अब दोस्तों, मैं इसमें वायर को जोड़ता हूँ। तो अब मैं इसमें लाइन दूंगा। तो अब मल्टीमीटर से मैं आपको चेक करके आगे दिखाता हूँ इसमें वोल्टेज कितना आ रहा है। सबसे पहले मैं इसका एसी वोल्ट चेक कराता हूँ। आप देख सकते हैं 183 के करीब है। दोस्तों, इसका वोल्ट अब यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर वोल्टेज है और यहाँ पर नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं इस पॉइंट, यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा। तो दोस्तों, हमारा जो ख़राबी है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा है, इसको हम निकालेंगे के देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये रेजिस्टेंस है जो है ये ख़राब हो चुका है। दोस्तों, इसकी वजह से इसका जो वोल्टेज है ये इस RC तक नहीं पहुंच पा रहा है। इस वजह से इस चार्जर में लाइट नहीं आ रहा है। तो इसको हम जम्पर कर देंगे। जम्पर करने से भी हमारा काम हो जाएगा। आप चाहे तो इस रेजिस्टर को चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं जम्पर कर देता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर जम्पर कर चुका हूँ, आपको दिख रहा होगा। तो एक बार अब इसे मैं लाइट देता हूँ। तो मल्टीमीटर से एक बार चेक करा के दिखाता हूँ इसमें वोल्टेज कितना आ रहा है। सबसे पहले इसका AC वोल्ट चेक करते हैं। आप देख सकते हैं इसका AC वोल्ट आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है। अब हम इसमें DC वोल्ट चेक करेंगे। दोस्तों, तो मैं इसमें केबल लगा चुका हूँ, तो अब आपको इसका वोल्टेज चेक कराता हूँ। आप देख सकते हैं 5 पॉइंट के करीब आ रहा है वोल्टेज। तो दोस्तों, इस तरीके से आप भी अपना चार्जर को रिपेयर कर सकते हैं। तो इसको मैं अब इसके ढक्कन पर लगा रहा हूँ। देख सकते हैं हमारा ढक्कन लग चुका है। दोस्तों, इस तरीके से आप भी अपना चार्जर को रिपेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।